सो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने मसाज के बारे में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मसाज कराते रहते हैं, अलग अलग किस्म की मसाज हो गई हैं, अलग अलग टाइप्स की मसाज हो गई, अलग अलग कंट्री के नाम पे मसाज हो गई। थाईलैंड का मसाज तो बहुत ही मशहूर है। हर किसी को मसाज रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, मतलब कि आप इसको डेली के डेली आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन आप सोच रहे हो यार इसको करने से होगा क्या, मतलब इतना कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट इसका होता है कि आपकी एजिंग को ये डिले कर देता है। एजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि 90, 100 साल, 110 साल आप हो गए और आप अपने आप को बूढ़ा मानने लगो, अपने आप को कहने लगो कि एज हो गई हमारी। नहीं, एजिंग के जब साइंस आने लगते हैं तब आप कह सकते हैं अपने आप को बूढ़ा होना, तब आप कह सकते हैं यार एज हो गई है। कई बार आपने सुना होगा यार 300-400 साल से एक संत जो है वो तपस्या में बैठा है, कुछ भी कर रहा है, और आप कई बार उसको बोल देते हो यार ये सब काल्पनिक है, ये मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन ये सच में होता है अगर आप अपनी अंदर की आत्मा को जगा लोगे। जैसे कि मैं जब ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसे करके लाइनें बन रही हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एजिंग के साइंस देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो बोन्स हैं उनकी पावर जो है, उनकी कैपेसिटी जो है वो कम होने लगेगी, मसल की भी पावर कैपेसिटी कम होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आप कम होने लगेगी, तभी आप उसको एजिंग कहोगे। लेकिन आपके नहीं हो रहा एजिंग, इसका मतलब कि आप अच्छे प्रैक्टिस में हो। मसाज का फ़ायदा यही है कि एजिंग होने से वो डिले होता है। मसाज के रेगुलर यूज़ से हमारे जो विज़न है वो भी बहुत ही तगड़ा हो जाता है, हमारी जो निद्रा है, हमारी जो नींद है उसको भी बहुत इंप्रूव कर देता है। हमारी जो स्किन पे टफनेस एक होती है, एक होता है कभी कभी देखा होगा किसी किसी को बहुत टाइट इंसान होते हैं यार, बिल्कुल मार छुआ दे तो लगता है कि यार दर्द होने लगा। लेकिन आप थोड़े से सॉफ्ट हो गए, आप थोड़े से मतलब अंदर से टफ हो गए लेकिन स्किन के बाई स्किन आप सॉफ्ट हो गए, तभी आपकी एज बढ़ेगी और इसी के बाद आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। और जो ऑयल है ये स्पेशली आपको अप्लाई कहाँ करना है, अपने हेड में, अपने ईयर में और अपने फुट में। अब हेड मसाज के एडवांटेज क्या होते हैं, अपने सर दर्द को, अपने गंजेपन को ये दूर करता है। आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो ये उसको भी कम करेगा। पांचों जो सेंस ऑर्गन है वो आपको इस एरिया में मिल जाएंगे, तो अगर आप इस एरिया की अच्छे से मसाज करोगे तो आपके सेंस ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब ईयर ड्रॉप के एडवांटेज क्या होते हैं, अगर आपका जॉ जो है वो लॉक है, किसी किसी का देखा वो बहुत धीमे धीमे होता है, मुंह तक भी नहीं खुलता है, आपका लेकिन मुंह खुलेगा और अच्छे से आप बात कर पाओगे, आपके जो जॉ हैं आपके जॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएंगे। और अगर आपका जबड़ा स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर सुनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, आप किसी की बात ही नहीं सुन पा रहे हो, तो आपके लिए ऑयल मसाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर में अपने एक एक ड्रॉप डालिए ऑयल मसाज का और उसका डेली बेस पे ऑयल मसाज करिए। अगर कानों में दर्द होता है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप डेली बेस पे इस्तेमाल कर रहे हो तो कानों के दर्द कभी होगा ही नहीं। अब जानते हैं फुट मसाज का क्या है एडवांटेज, आपका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप पैर का मसाज करते हो तो आपका एक अच्छा विजन और अच्छी स्लीप आप पा सकते हो। किसी किसी की एड़ियाँ जो फट जाती हैं, किसी किसी की एड़ियाँ बिल्कुल फट जाती हैं और पपड़ी वगैरह निकलने लगती है, तो अगर आप उससे निजात पाना चाहते हो तो आपको डेली बेस पे फुट मसाज करना होगा। आई होप आपको ये मसाज वाली वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो बताई गई हैं चीज़ें कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये भी समझ में आया होगा। तो ये तीन मसाज तो जरूर करिए। पूरी बॉडी का अगर मसाज नहीं कर पा रहे हो डेली बेस पे तो हेड मसाज, ईयर मसाज और फुट मसाज, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे आयुर्वेदा में बताया गया है। तो आयुर्वेद की बात मानो, मेरी बात मानो और मसाज करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।